देखो आगे आज ये विद्या पढ़ रहे थे हम, इसमें सबसे पहली विधि कौन सी, इसके अंदर मतलब एक तो हाथों द्वारा, एक कौन सा था मशीन से, तो हाथों द्वारा इसके अंदर तीन विधियां है, एक तो पूर्ण हस्त विधि अंगूठा विधि और एक कौन सी इसके अंदर चुटकी विधि है। ये किसकी संरचना है इसमें, कल हमने थन की संरचना पढ़ी थी। सबसे पहले इसके अंदर आपके थन नलिका होती है, थन सिस्टर्न से पहले थन नलिका होती है, फिर आपके ग्रंथि सिस्टर्न होती है, ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर यहां पे 15 से 50 तक नलिकाएं जुड़ी होती है ना, इन नलिकाओं को हम कहते हैं यहां पे दुग्ध नलिका, इन दुग्ध नलिकाओं से छोटी छोटी नलिका और निकलती है और फिर यहां पे एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं लोब्स, और इन लोब्स के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचना होती है जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, और उन एल्वियोलाई के अंदर यहां पे दुग्ध का निर्माण होगा, और इस ग्लैंड सिस्टर्न के अंदर यहां पे दुग्ध का संग्रहण होगा, और वो कितना एमएल होता है यहां पे एवरेज 500 से 600 एमएल, ध्यान में रखना यहां पे। ये कौन सी विधि है, मशीन के द्वारा निकालते ना। इनमें देखो अब पहली विधि कौन सी है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तो ये हमें विधियों के अंदर थोड़ा ध्यान में रखना भी, किस प्रकार से इसमें हम कौन सी विधि है वो कब काम में ले सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले विधि का नाम लिखो आप, चुटकी विधि। सबसे पहले लिखो चुटकी द्वारा दुग्ध दोहन विधि। साथ में लिखना है, शुरू करना है इसमें। इस विधि में थन की जड़ को अंगूठा और उसके पास की दो अंगुलियों के बीच, सिंपल ये इसलिए डायरेक्ट लिखवा रहा हूं इसमें ना, मजबूती से पकड़ा जाता है, उसके बाद थन को उसी स्थिति में नीचे की तरफ खींचते हैं, ऊपर से नीचे हाथ को कहेंगे दांत आई था महावीर अंधे घंसो है चिमक जी कोई भैंस गाय कहीं
इस विधि को कब यूज करेंगे, जब गायों के थन छोटे होते हैं, तो छोटे होने की स्थिति में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में गायों को कष्ट होता है, अतः यह अच्छी विधि नहीं है। ये लिखो पहले चुटकी विधि, किसमें? अब इसमें थनों का साइज दिया होगा छोटा, तब तो फिर काम में लेना ही पड़ेगा, उस समय आपके इन गायों के अंदर क्या होगा, कष्ट होता है। मेन आपको ये पॉइंट यहां वाले ध्यान रखने, इसमें और तीनों कंप्लीट करने के बाद में फिर क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, तीनों से रिलेटेड भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों में से अच्छी विधि कौन सी है, सबसे ज्यादा कष्टदायी कौन से भी। सेकेंड नंबर विधि का नाम लिखना, पूर्ण हस्त दोहन विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि। इस विधि में थन को हाथ की संपूर्ण अंगुलियों द्वारा पकड़कर दूध निकाला जाता है, सेकेंड नंबर पॉइंट, इस विधि में थन के तंतुओं पर समान दबाव रहता है तथा थन के
बेकार या खराब कह सकते हो, खराब होने का भय नहीं रहता, मतलब डर नहीं रहता। इस विधि में थन का दूध ग्रंथि सिस्टर्न वापस नहीं जा पाता। यह विधि सबसे अच्छी विधि है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर हेडिंग, कोई रह जाए लाइन तो ऊपर से बता देना, मैं लिख दूंगा, वापस नीचे कर लूंगा। अगला है अंगूठा दबाकर, दूध निकालने की विधि। सरल एक हार्ड है भी पशुपालन वाला, ये इजी है ना। अभी रोग और नस्लें पढ़ोगे तब पता चलेगा। इजी लग रहा है, अब आगे देख जो तो। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको, आर्ट कल्चर का ही है, अभी पढ़ा लेटेस्ट में तब याद है। भैंसों का चितेरा कौन है? ऑप्शन से तो आप बता दोगे ना, भैंसों का चितेरा है? ऑप्शन दो, सौभाग्यमल, ठीक है, परमानंद, किशन सिंह, और एक आपने वो भी बताया ना क्या, हाँ कौन सा होगा? हाँ कौन सा सेकंड, कौन सा बताया मैंने? परमानंद, परमानंद आगे कुछ और जुड़ा हुआ नाम है, तो ऐसे याद रखना भी, भैंसों की चाय पीने से परमानंद आ जाता है, परमानंद भूलोगे अब? भैंसों का चितेरा कौन था? परमानंद, और है आगे कुछ नाम जुड़ा, वो इतना पता नहीं, परमानंद से चे से नाम और है सही, हाँ सही, ऐसा हो सकता है, हाँ चाय चोयल सही है, भैंसों की, भैंस के दूध की चाय पीने से परमानंद आ जाता है। एक और पूछ लेता हूँ, अब वो आपके है पड्डा वाग नहीं है, कुत्तों का चितेरा किसको कहते हैं? नहीं सुना, कुत्ते पूरे संसार में, संसार को क्या कहते हैं? जग, और उन कुत्तों से कभी माथा फोड़ी नहीं करनी चाहिए, तो जग मोहन माथोड़िया, जग मोहन माथोड़िया, सही है। चीजें लिंक करके पढ़ो आप,
इसमें लिखो आप अंगूठा दबाकर दूध निकालने की विधि में। नीड का चितेरा किसे कहते हैं? नीड पढ़ा है? बताओ फिर ना। हाँ सही है, सौभाग्यमल गहलोत है ना, सौभाग्यमल गहलोत शायद पूरा नाम, या गहलोत नहीं जुड़ा हुआ है, शायद गहलोत जुड़ा हुआ है, सौभाग्यमल गहलोत। नीड का मतलब क्या होता है? अरे आप इंग्लिश वाला समझ लिया, ये नीड नहीं, नीड ये, नीड का मतलब घोंसला होता है ना, घोंसला मतलब मकान ही तो है, और घोंसलों में या मकानों में रहने का, और मकान ये नीड मतलब कहां पे होंगे? पेड़ों पर। तो पेड़ों पर रहने का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा? सौभाग्यमल गहलोत। लिखो आगे एक बार, घोंसले को, हाँ पता ही नहीं, हिंदी पढ़ी नहीं क्या? लिखो इसमें, इस विधि में, इस विधि में थन के चारों ओर, अब आप इन दो को कभी नहीं भूलोगे, थन के चारों ओर से अंगुलियां एवं मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाकर दूध निकालते हैं, यह विधि अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई वर्ड पता नहीं चले तो पूछ लेना भाई। अंगुलिया एवं मुड़े हुए अंगूठे के बीच में, क्योंकि इस प्रकार क्या तो डायरेक्ट लिखवा दूं, मेन मेन लाइन लिखवा दूं, कौन सा मान लो उसने इस विधि के अंदर पूछ ली भाई किन किन का यूज करेंगे, वो तो आप चलो भाई बता दोगे नाम से, और अगर नहीं बताता पहले तो बता सकते। हाँ जिसको लिखना वो लिख लो भाई, बाकी नहीं लिखना वो डायरेक्ट याद रख लो। अभी डायग्राम बता देता, नहीं लिखा था तो आप बोलते सर लिखा ही नहीं आपने। बारे थे रोड मत बांध रहा फिरे वे तो। ये विधि अच्छी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से दूध निकालने से थन को नुकसान पहुंचता है, तथा गाय को दर्द होता है, इससे थन के तंतुओं पर असमान दबाव के कारण थन में गांठ पड़ जाती है,
थन हमेशा के लिए, बेकार हो जाता है। किसके? बिल्कुल। तो ये आप इसमें ध्यान में रखना। थर्ड नंबर विधि, अंगूठा दबाकर दूध निकालने की विधि। अब सबसे अच्छी विधि पूछे तीनों में से तो वो कौन सी होगी आपके? पूर्ण हस्त। और फिर सेकेंड नंबर पूछे तो कौन सी होगी? और फिर थर्ड नंबर कौन सी हो जाएगी? चुटकी विधि। मेन इनके अंदर फर्स्ट और जो थर्ड नंबर है विधि, तो जो थन होते हैं इन थन के तंतुओं पर असमान दबाव पड़ता है, क्योंकि अंगूठा रहता है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और चुटकी के अंदर भी दो अंगुलियां और अंगूठा रहता है तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा तंतुओं के ऊपर। इस कारण में उनमें आपके थन खराब होने की संभावना होती है या फिर गांठ पड़ जाती है। इसके कारण यहाँ पे ये विधि क्या है? बेकार। ये और थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। तो सही विधि है वो सेकेंड नंबर विधि, पूर्ण हस्त विधि, आप ध्यान रखना इसके अंदर। और ज्यादा दूध किस में निकलेगा, मतलब कौन सी विधि के अंदर? पूर्ण हस्त विधि के अंदर, और फिर आपके अंगूठा दबाकर, और सबसे कम दूध किस में निकलेगा? चुटकी विधि के अंदर। किसमें? क्यों? गाय को शुरुआत पहली आने दूजी आने क्या दूए बिन, क्योंकि थन है वो बड़े नहीं होंगे तो उसको चुटकी विधि द्वारा ही दोना पड़ेगा। फिर तो लिख लिया ये। अब एक तो हाथों द्वारा लिखा था और एक मशीन के द्वारा, तो अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालो इसमें, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन, लिखो इसमें एरो बनाकर। मशीन द्वारा कम समय में अधिक पशुओं का एक साथ दूध निकाला जा सकता है। जिससे समय की बचत होती है दूध दोहन के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मतलब बड़े स्तर पे अगर हम करते हैं तो कम आवश्यकता होती है। अच्छी मशीन स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में काफी सहायक है। क्योंकि मशीन द्वारा निकाला गया दूध थनों से सीधा मशीन के बर्तन या केन, सीधा मशीन के बर्तन में जाता है। और
धूल, मक्खी, बाल एवं गोबर आदि के कण, आदि के कण इसमें नहीं जा पाते। इसी के अंदर ही आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, दुग्ध मशीन का काम करना, मतलब किस प्रकार से काम करती, कैसे यूज लोगे आप। लिखो इसमें, बोल के लिखवा दो क्या, या सही है ये। चलो लिखो पहला पॉइंट, यहां तक लिखो एक बार, सारा हेडिंग डाल दो, ये दुग्ध मशीन का काम करना लिखो। फिर इसमें मशीन द्वारा, पहला पॉइंट लिखो इसमें, मशीन द्वारा दुग्ध निकालने के लिए, मशीन द्वारा दुग्ध निकालने के लिए थनों पर थन कप या कोष्ठक में लिख लेना, इसको हम कहते हैं यहां पे टीट कप, थनों पर थन कप या टीट कप, टीट कप। इसमें देखो आप, ये मशीन लगा रखी है ना, तो ये जो हैंडल होता है ना, इसको हम टीट कप कहते हैं यहां पे, ठीक है ना, ये टीट कप होते हैं यहां पे, तो थनों पर टीट कप लगाए जाते हैं, थनों पर टीट कप लगाए जाते हैं। यह टीट कप, इसी लाइन में कंटिन्यू, यह टीट कप स्टील के बने होते हैं, रुको तो सही, आगे वाला लाइन तो देखो, यह टीट कप स्टील के बने होते हैं जिनके अंदर रबर की लाइनिंग होती है, मतलब अंदर से थोड़ा बहुत पार्ट है वो रबर का बना हुआ होगा, उसके अंदर लाइनिंग होती है। इसी में लिखना कंटिन्यू, टीट कप कम दबाव से मतलब प्रेशर लगता है उन कप के अंदर, टीट कप कम दबाव से दूध को बाहर निकालता है, नेक्स्ट लाइन, सेकेंड नंबर पॉइंट, और इसको स्टार्ट कर लेना, इस पॉइंट को लिखो इसमें, इसमें लिखो दूध निकालने की प्रक्रिया एक पंप की तरह होती है। यह पंप 60%
यह पंप 60% समय दूध निकालने में, यह पंप 60% समय दूध निकालने में, 60% समय दूध निकालने में व 40% समय, 40% समय, 40% समय, 40% समय थन को आराम देता है, 40% समय थन को आराम देता है, थन को आराम देता है, मतलब कंटिन्यू इसके अंदर प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वापिस थनों के अंदर दूध डालने में टाइम तो लगता है ना, एक बार इसी में लिखना कंटिन्यू, ताकि थन की मांसपेशियों पर, ताकि थन की मांसपेशियों पर, ताकि थन की मांसपेशियों पर, मांसपेशियों पर ज्यादा तनाव, ज्यादा तनाव न पड़े, ताकि थन की मांसपेशियों पर ज्यादा तनाव ना पड़े, इसी में लिखना कंटिन्यू, इसमें, इसमें, इसमें 60:40 अनुपात का चिन्ह लगाना बीच में, 60:40 पल्सेशन, पल्सेशन नाड़ी दर कह सकते हैं ना, पल्सेशन अनुपात रहता है, पल्सेशन अनुपात रहता है, पल्सेशन अनुपात रहता है। अगली लाइन में अगला पॉइंट, इसमें लिखो चारों, चारों थनों पर लगने वाले, चारों थनों पर लगने वाले, लगने वाले कपों के समूह को, जो टीट कप होते ना, चारों थनों पर लगने वाले कपों के समूह को क्लस्टर कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना इसको, क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं, चारों थनों पर लगने वाले कपों के समूह को क्लस्टर कहते हैं। आप बताओ, एक ऑप्शन में देता हूं, पहले क्वेश्चन पूछता हूं, फिर आप बताना इसमें क्या होगा सही। क्या क्वेश्चन होगा पहले बता सकते हो, इसको देख कर ऑप्शन को, मानव के अंदर ब्लड प्रेशर सामान्यतः कितना होता है, 120 से 80 mmHg, ये mmHg क्या इकाई है ना, यहाँ पे भाई प्रेशर है उसकी क्या होगी, इकाई, क्योंकि जो प्रेशर मापेंगे ना, ब्लड आपके ब्लड प्रेशर कौन से उपकरण के द्वारा मापा जाएगा बताओ, सही है, स्पाइग्नोमैनोमीटर, तो स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, हृदय की धड़कन दर का पता लगाते हैं, तो फिर ईसीजी किस काम में लेते हैं, और ईईजी किसके लिए काम में लेते हैं, गलत दोनों, ईसीजी ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय के लिए, और ये इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफी, ये मस्तिष्क के लिए काम में लेंगे, ये मस्तिष्क के लिए होगा, और ये किसके लिए, हृदय के लिए,
तो आप लिखो अगला पॉइंट, क्लस्टर ध्यान में रखना भी क्या होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अब आगे अगला पॉइंट लिखो, दूध निकालने के लिए, दूध निकालने के लिए 360 mmHg, दूध निकालने के लिए 360 mmHg का प्रेशर, प्रेशर के दो या दबाव के दो आप, 360 mmHg का प्रेशर उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है, लिख लिया इतना, इसी में लिखना कंटिन्यू। दूध क्लस्टर में से होकर, दूध क्लस्टर में से होकर, दूध क्लस्टर में से होकर, होकर दुग्ध जार में जाता है, जार मतलब जो बर्तन होगा, दुग्ध क्लस्टर में से होकर दुग्ध जार में जाता है, जहां से उसे माप कर, जहां से उसे माप कर, जहां से उसे माप कर, माप कर पंप द्वारा टैंक में भेज दिया जाता है, जहां से उसे माप कर पंप द्वारा टैंक में भेज दिया जाता है। यहां तो अपन जन थैली में गाल दे एल्यूसा, टैंक की तो भरे जाएंगे बड़े स्तर पे, टैंक में भेज दिया जाता है। ये दुग्ध मशीन कैसे कार्य करती है वो, अब सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालो आगे आप, नेक्स्ट। हाँ, इसमें लिखो आप, मशीन द्वारा दुग्ध निकालते समय, मशीन द्वारा, हाँ वो सावधानी है, हेडिंग डालो तो पहले डालो ऐसे, मशीन द्वारा दुग्ध निकालते समय रखी जाने वाली सावधानी हेडिंग ये है, और अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो सावधानियां लिख लो सिर्फ, हेडिंग में बता रहा हूं पूरी तो वो है, फिर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो सावधानी लिख लेना, पूरी हेडिंग है मशीन द्वारा दुग्ध निकालते समय, दुग्ध निकालते समय रखी जाने वाली सावधानियां, रखी जाने वाली सावधानियां, रखी जाने वाली सावधानियां। पहले देखो मैं बोल के बता देता हूं आपको, जो लिखने लायक हो वो आप खुद कह देना। पहली सावधानी है, अयन या थनों को स्वच्छ जल से साफ करके फिर साफ कपड़े से पोंछ कर सुखाना चाहिए। दूसरा देख लो, दूसरा इसके अंदर, दोहन से पहले अयन या थन या थनों की, अयन या थनों पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्राकृतिक संचार होता है, प्राकृतिक संचार होता है, ये लाइन लिखी हुई है, प्राकृतिक संचार होता है, जो दुग्ध का कोष्ठक एवं छोटी वाहिनी से होकर उस दुग्ध को दुग्ध ग्रंथि में धकेला जाता है। लिख लो पॉइंट, दोहने से पहले, दोहने से पहले, दोहने से पहले अयन और, अयन और थनों में अयन मतलब अवाड़ो, ठीक है, अयन और थनों में, थन और अवाड़ दोनों अलग अलग चीज है ना, सेम कैसे बताओ, एक मिनट रुको डायग्राम निकाल रहा हूं। अब ये क्या होगा पूरा, और यहां पे इसके अंदर आपके जो टीट कप है थन होंगे इनके अंदर,
गाय या भैंस ब्याह आप क्या भी अवाड़ो करने लागी, तो अवाड़ मतलब उसमें दूध बनना क्या हो गया, शुरू हो गया है। लिखो इसमें दोने से पहले अयन और थनों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लिखो नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्राकृतिक संचार होता है, का प्राकृतिक संचार होता है। जो दुग्ध को दुग्ध नलिकाओं से दुग्ध नलिकाओं से नीचे धकेलता है, मतलब ग्रंथि सिस्टम के अंदर भेजेगा, ठीक है ना, नीचे धकेलता है। अगली देखो सावधानी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, लिखने वाली हो तो आप बता देना। मशीन के कपों का प्रेशर सामान्य होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना लिखा था 360 mmHg लिखा था ना। ज्यादा दबाव थनों को नुकसान पहुंचाता है और कम दबाव होने पर अयन से दुग्ध पूर्णतया बाहर नहीं निकल पाता है। नहीं लिखोगे, चलो जिसको लिखना वो लिख लो, जिसको नहीं वो छोड़ देना। बोल रहा हूं लाइन पूरी लिखो। मशीन के कपों का प्रेशर सामान्य होना चाहिए। अभी ऊपर लिखा है ना 360 mmHg, सामान्य होना चाहिए। ज्यादा इसी में लिखना है, ज्यादा दबाव थनों को नुकसान पहुंचाता है और कम दबाव होने पर अयन से दूध पूर्णतया बाहर नहीं निकल पाता। लिख लिया ये। अगला पहले मैं पॉइंट बोल रहा हूं फिर आप बोल दे। अगला पॉइंट है टिट कपों के रबर लाइनों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, कोई लिखने वाली लाइन नहीं है। अगला यहां पे टीट कपों को एक बार जरूर बदल लेना चाहिए क्योंकि टीट कप के लाइनर खराब होने से दूध निकलकर टीट कप में आ जाता है, मतलब टीट कप कई बार खराब हो जाते हैं, इसलिए या तो उसको चेक कर लेना चाहिए, खराब है तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। खराब या फटे हुए लाइनर तुरंत बदल लेने चाहिए, ऐसा नहीं करने पर थनों को नुकसान हो सकता है और थनेला जैसे रोग भी पशु में होने लग सकते हैं। थनेला रोग के अंदर क्या होता है कि पशु के जो थन होते हैं ना, या तो उसमें गांठ बन जाएगी या उससे हम कहते हैं ना आपकी रस्सी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, तो कौन से रोगों के अंदर होगा, थनेला। और अभी हमने जो पीछे विधि पढ़ी थी ना, हाथों द्वारा, तो इसमें जो अंगूठा विधि थी ना, उसके अंदर भी आपके पशुओं के अंदर थनेला रोग होने की संभावना होती है। थनेला रोगों के अंदर थन के अंदर गांठे बन जाती और रस्सी निकलना शुरू हो जाती है। तो आप ये पॉइंट लिख लो इसके अंदर, एक आप लिखो इसमें पॉइंट, अगला बनाओ इसमें, वो तो हमें पास में रहना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे लास्ट में सावधानी में, समय पर उसको बंद करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें से ध्यान में रखना रक्त का स्त्राव भी हो सकता है, ठीक है ना, वो इसी सावधानी के अंदर ही तो आएगा। लिखो इसमें पॉइंट,
खराब या फटे हुए लाइनर, खराब या फटे हुए लाइनर तुरंत बदल देने चाहिए, तुरंत बदल देने चाहिए, ऐसा न करने पर थनों को नुकसान हो सकता है, ऐसा न करने पर थनों को नुकसान हो सकता है और थनेला जैसे रोग भी पशु को होने लगते हैं, सावधानी और भी हैं, वो बाकी सावधानी हम करेंगे कल, और कल आपका ये टॉपिक हो जाएगा पूरा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, टेस्ट में आएगा फ्राइडे शुक्रवार तक आपका जितना होगा, शनिवार वाले में हाँ पूरे हाँ स्टार्टिंग से पूरे आएगा शुक्रवार तक जहां तक होगा, बाकी कल करेंगे। सावधानी और है, कल हो जाएगा ये कंप्लीट और फिर नया टॉपिक।